हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले तो आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और वैसे अभी गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रहा है, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और आज हमारे गांव में सुबह से ही बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए हम कहीं जा नहीं पाए। आज हम हैप्पी न्यू ईयर की खुशी में केक काटेंगे और हमारे गाँव में एक बहुत बड़ी मंदिर है, वहाँ पर भी हम जाएंगे। तो चलिए आज की इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। चलिए पहले हम मंदिर पर चलते हैं और उधर से केक भी लेकर आएंगे। आज हम मंदिर के अंदर नहीं जा सके क्योंकि आज बहुत काफी ज्यादा भीड़ थी। हम किसी और दिन जाकर उस मंदिर का एक अच्छा सा ब्लॉग शूट करेंगे। अगर आप उस मंदिर का ब्लॉग देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। जीजा वहाँ से आने के बाद यहाँ पे छत पे आकर सो रहे हैं क्योंकि अभी धूप हुआ है, आपको दिख रहा होगा। जीजा क्या हुआ, कहाँ है, छत पे सो रहे हैं? अरे यार, आज हम लोग कहीं पिकनिक मनाने बाहर नहीं गए तो वैसे आज सुबह से ठंड थी, बहुत ठंड थी। हम लोग इसके लिए आज सोच रहे हैं कि घर पे ही हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे। हम मार्केट से ही मटन लेकर आ चुके हैं और आज जीजा को मटन बनाना है और जीजा मटन बनाएंगे और हम सारी फैमिली पूरे फैमिली मिलकर खाएंगे और हम सारे फैमिली केक भी काटेंगे और पिकनिक भी मनाएंगे। तो ये ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होगा, इस ब्लॉग को जरूर देखिएगा। चलिए अब पूरी फैमिली के साथ पहले 2022 की केक काटते हैं। सब लोग खा चुके हैं और अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक करना है। अगर आपकी सपोर्ट रही तो अगले साल हम इससे बड़े भी केक काटेंगे और कुछ अच्छी चीज करेंगे। भाई अपना बहुत ही मेहनत कर रहा है, इनको सपोर्ट करिएगा।
गाइस हम लोग इस बार बहुत छोटा केक काटे हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का प्यार ऐसे बना रहेगा तो हम लोग अगली बार अगले साल 2023 में इससे भी बड़ा केक काटेंगे। हमारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है, प्लीज इसे आप लोग सपोर्ट करिए और इससे भी आगे हम लोग बढ़ाइए, इससे भी बड़ा हम लोग केक काटेंगे। ऐसे आप लोग का सपोर्ट बना रहा तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मम्मी तुम कुछ कहना चाहोगी? सबको हैप्पी न्यू ईयर, सब लोग खुश रहे। दीदी तुम कुछ कहना चाहोगी? सबको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, ऐसे और भाई सपोर्ट करते हो। दीदी आप कुछ कहेंगे? सबको हैप्पी न्यू ईयर, अब हम चल रहे मटन बनाने के लिए, आप लोग वीडियो देखते रहिए। आइए जीजा मटन बना देंगे, खाने के बाद पता चलेगा कि जीजा मटन कैसा बनाए हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। हमारी डिनर आ चुकी है, मटन और पुलाव, और यहाँ पे जीजा खा रहे हैं। अब चलिए खाकर देखते हैं कि जीजा कैसा मटन बनाए हैं। वाकई में मटन बहुत ही मस्त बना हुआ है, ये हमारे जीजा बनाए थे। फाइनली हम डिनर कर चुके हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अब करूँगा वीडियो एडिट, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.